हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छी मतलब कि अपडेट लेके आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पर क्या बोलते हैं फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने जीमन और जो की क्या बोलते हैं हायरिंग लेके आई थी अराउंड एक की अगस्त में कवर की थी, एक की मैंने सेप्टेम्बर में, ठीक है। और आगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जो मैंने कवर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी वीडियो लाए, चाहे ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उससे अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको पता लग जाए कि अगर आप उस कंपनी में कुछ अपडेट वगैरह आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, अराउंड 1100 तो होंगे, ठीक है। मैंने काउंट तो नहीं किया, बाकी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेते हैं नेम को, यहाँ करते हैं पेस्ट, तो अराउंड 1100 के पास तो पहुँचा देगा। 1068 वीडियोस हैं, ठीक है, तो ये कम नहीं होती हैं। तो आप जाके देखिए, अगर आपने एक कंपनी में, जिस भी कंपनी में अप्लाई किया, ऑलमोस्ट मैंने हर एक कंपनी का कवर कर ही रखा है, ठीक है। तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोनों हायरिंग जो आई थी ना, तो मैंने काफ़ी अच्छी तरह कवर की थी, आई थिंक 2-3 बार मैंने कवर कर दी थी, जो कि जेमन की मैंने एक ही बार की है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन शॉट ही पेस्ट किया है। 6 तारीख को जेमन का क्या बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट है, और आपका क्या बोलते हैं 8 से इनका सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला स्टार्ट है, ठीक है। मतलब कि फेज ये ना ऑफलाइन होने वाला, जो भी प्रोसेस होगा पहले एप्टीट्यूड फैलाना डिमकाना सारा चीज़, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको ना दोनों वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने ऑफ कैंपस हायरिंग कवर की थी। तो जैसे आपने देखा ही, मैंने जेमन और क्या बोलते हैं जोहो की क्या बोलते हैं आपको बता रहा था कि ऑनलाइन टेस्ट का क्रेडेंशियल प्राप्त हुए हैं लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 23 अगस्त को जोहो की हायरिंग जो आई थी उसके बारे में बताया था, जो कि 23, यहाँ भी देख सकते सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, और जो आपने पहले अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट उसमें भी देखना सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी मैं हायरिंग लाता हूँ तो अप्लाई किया करो, सिलेक्शन रिजेक्शन बड़ी दूर की बात है, ठीक है। और इवन जीवन में भी देख सकते हो, ये भी मैंने आपको क्या बोलते हैं लेके आया था, और यहाँ भी देख सकते हो ये 24 सितंबर को मैंने अपलोड की थी, और आज अब 5 अक्टूबर और हायरिंग वगैरह मतलब कि शॉर्टलिस्ट ईमेल वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं। तभी मैं कहता हूँ चाहे जो मर्जी कंपनी हो यार, ये एटलीस्ट अप्लाई तो करो। जेमन में सबसे अच्छी बात ये था ना कि इसमें जो अप्लाई करने वाले थे 20, 21 और 22, तो इसीलिए काफ़ी लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। चलो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, जैसे आपने देखा इवन मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। इवन मैं हमेशा ही बोलता हूँ, देखो जब भी हायरिंग आती है ना, ऐसे नहीं मैं हमेशा ही बिल्कुल वैलिड सी हायरिंग लेके आता हूँ। अगर उसमें आप अप्लाई करोगे और उसकी क्या बोलते हैं क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होगे आप ना, आपको 100% क्या बोलते हैं ना शॉर्टलिस्ट ईमेल देखने को मिलेगा उनका, चाहे जो भी प्रोसेस होगा फर्स्ट वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो मैं आपको दोनों की स्क्रीनशॉट दिखा दूँ। सबसे पहला स्क्रीनशॉट हमारा जेमन की तरफ से है, तो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। देख सकते हो असेसमेंट टेस्ट लिंक जो कि कल 6 अक्टूबर को होने वाली है, सुबह 11:30 से 2 के बीच, मतलब कि 2.5 घंटे का होगा, और ये होगा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ है, और उसके लिए कुछ टेस्ट ड्यूरेशन 30 मिनट्स हैज टू बी ऑटो टाइमर, और कुछ यहाँ पे नीचे और भी चीज़, रेज्यूमे अपलोड करना, फ्रेंड लिंक बनाना, और एक और चीज़ होगी कि मतलब कि आपने अपने क्या बोलते हैं उसे कि आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह चेक कर लेने, ठीक है। ये थी फर्स्ट, और सेकंड आपकी जोहो वाली, मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरा ऑफलाइन होने वाला था। यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस पे आप देख सकते हो, और वहाँ भी आपने जो मैंने से पहले वीडियो दिखाया उसमें भी मैंने बताया था 23 ग्रेजुएट्स के लिए था, और ये भी बिल्कुल वही वाली है ये। और यहाँ पर देख सकते हो कितने लेवल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 लेवल्स होने वाले। तो ये 5 लेवल होंगे, पहला एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग राउंड फर्स्ट डे होगा जो 8 अक्टूबर को, देन सेकेंड लेवल आपका प्रोग्रामिंग राउंड जो कि कंप्यूटर पर होगा वो भी 8 तारीख को, फिर थर्ड वाला एडवांस वो होगा नेक्स्ट डे 9th को, ठीक है। देन आपका फोर्थ लेवल होगा भी वो भी 9th को, और फिफ्थ वाला भी 9th को, मतलब कि 2 दिनों के अंदर सारे आपके हो जाएंगे अगर आपने अप्लाई किया तो, और आपको ऐसा कुछ ईमेल देखने को मिला है तो, ठीक है। और कुछ हम गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लेना, फेस मास्क, देन आपका ज्वाइनिंग गाइडलाइन वगैरह जो भी ऐसे ही ना, ठीक। यही कारण रहता है ना जब भी मैं हायरिंग लेके आता हूँ, वो आपको बार 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 एक ही वीडियो में बोलते रहता हूँ कि अगर आप एलिजिबल होते हो अप्लाई करना जरूर, ठीक है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।